हेलो दोस्तों, वेलकम टू कारोटीन। दोस्तों, एक्सेल 6 को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है जिसके बारे में आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक एंजॉय करिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसी तरह की लेटेस्ट कार अपडेट्स और कार रिव्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम बात करते हैं एक्सेल 6 को लेकर जो नया अपडेट सामने आया है उसके बारे में। सो वो नया अपडेट ये है कि मारुति सुजुकी अगले साल की स्टार्टिंग में अपनी मोस्ट फेमस एमपीवी मारुति एक्सेल 6 को BS6 नॉर्म्स वाले 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ लॉन्च करेगी और इसके साथ देश में BS6 डीजल इंजन के साथ लॉन्च होने वाली एक्सेल 6 मारुति की पहली कार बन जाएगी। बता दें कि मारुति ने देश में BS6 नॉर्म्स आने के बाद कंपनी ने डीजल इंजन के साथ कार्स को इंट्रोड्यूस करना बंद कर दिया था, जिससे कि कंपनी की सेल्स पर भी काफी अच्छा खासा असर दिखा। लेकिन अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मारुति सुजुकी एक बार फिर से अपनी मोस्ट फेमस एमपीवी अर्टिगा के साथ साथ मिड साइज सेडान सियाज और कॉम्पैक्ट एसयूवी विटारा ब्रेज़ा को भी इस इंजन के साथ लॉन्च करने वाली है, जो कि एक काफी इंटरेस्टिंग बात है। वैसे देखा जाए तो इस समय लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडिया के पास अपने लाइनअप में कोई भी डीजल इंजन है ही नहीं और कंपनी ने 1 अप्रैल 2020 के पहले ही अपने BS4 वाले 1.3 लीटर फोर सिलेंडर DDIS डीजल यूनिट को भी बंद कर दिया था। और वहीं दूसरी ओर हुंडई और किया जैसी कंपनियों ने डीजल इंजन के साथ अपनी कार्स की सेल्स को जारी रखा, जिनका फायदा इन कंपनियों को मिला भी है। इन दोनों कंपनियों के कॉम्पैक्ट और मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में BS6 डीजल इंजन की काफी डिमांड है। हालांकि पेट्रोल इंजन की भी डिमांड है, लेकिन ज्यादातर लोग फिर भी डीजल इंजन को ही प्रेफर करते हैं। सो अब फाइनली मारुति कंपनी को भी ये एहसास हो गया है कि उन्हें डीजल इंजन को एक बार फिर से वापस लाना चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो सिर्फ एंट्री लेवल सेगमेंट में ही पेट्रोल वाली कारों की ज्यादा डिमांड है। खैर, बता दें कि मारुति अपने 1.5 लीटर डीजल यूनिट पर पिछले कई महीनों से काम कर रही है और इस पर काम हरियाणा के मानेसर प्लांट में हो रहा है। और जहां तक बात है इसके लॉन्च डेट की, तो जनवरी 2022 के आसपास कंपनी एक्सेल 6 में डीजल इंजन यूनिट को पेश कर सकती है और फिर बाद में इसका यूज ब्रेज़ा और बाकी दूसरे मॉडल्स में भी किया जाएगा। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है, डीजल इंजन के वापस आने के साथ मारुति कंपनी अपनी कार्स की सेल्स को फिर से इम्प्रूव कर पाएगी? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ टाटा बाय बाय, शब खैर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट कार अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।